अभी डल लेक के पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद है, जहां पर हमारे पीछे आप मेरे लंबी कतारें देख सकते हैं लोगों की जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं जड़ीबल की 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जहां से हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक मैदान में देखने को मिल सकते हैं, पीडीपी के शेख गौहर और अवामी इतिहाद पार्टी से डॉक्टर बुरहान बजाज जो प्रोफेशन से एक मेडिकल डॉक्टर है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्यों ये अपना वोट यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कास्ट कर रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, तू नाम क्या छु? अब्दुल रहमान। कट पर छु तुई? अच्छा जी, निर्मला पर। अच्छा, मैं बनी हूं तई ये टिक डल ले के लुकन ही क्या मसल मसल छु कि तू ही करियो पर उन वोट कास्ट मस्त छु गोन छु पावर दो इन दोजर दोजो गो वाजत पावर छु कि न पाप नल कुछ न आप की पावर छ कि लाइट छ कि इस प्रॉब्लम वारे पर दोजो गो वाजत तो छु बसान तू ही करियो पर उन वोट कास्ट पत यूस नुमाइंद बने तू सु करियो तू ही मसल मुश्किल हल चांस नचिम करा कि चांस आज चांस आज आज चांस। अच्छा ठीक चाचा, तू नाम? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान काशी, बुझ वोट तवान तस उस राहबरी कर मे अच्छा पर्स वोट बट की वो फायदा आकाश नकाशी ते वोट तब जमीन और जगह ये जगह पीछे नहीं दिया बट आई वॉन्टेड अ गुड गवर्नमेंट हु हैज हेल्प्ड अस वी पीपल बिकॉज वी आर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन। हम बहुत आदमी इधर आता है, हमको 70 साल हो गया, सियासत में भी किया, बाप का दादा भी किया, मगर जब वोट हम कास्ट करेगा हमको कुछ फायदा होना चाहिए। यू नो वी आर क्या मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल है इलेक्ट्रिक का है, वोटर का है, इलेक्ट्रिक मुश्किल ऐसा ऐसा होता है, टूरिस्ट कम आता है, अभी टूरिस्ट ज्यादा आता था अभी कम आता था, बट आई वॉन्ट अ गुड गवर्नमेंट एंड नाइस गवर्नमेंट हम ऐसा चाहता है। आप मुझे बताइए, आपने अपना वोट कास्ट किया, आपको इसके बाद एतमाद है कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो आपके मुश्किल मुश्किल पहले लिसन में हमको खुदा के ऊपर भरोसा है। फिर से एक बार बताएगा हम जो भी बनाता हम बट वी डोंट नो आफ्टर व्हेन आई एम गोइंग हिज होम एंड हिज आवर सेल बोलता गुलमर्ग में है पालगाम बट आई वॉन्ट जब हमको काम होता है आई वॉन्ट अ गुड गवर्नमेंट हु इज हेल्पिंग अस दैट इज नो मोर। मेरे पीछे आप जो डल लेक देख रहे हैं, जितना ही ज्यादा ये खूबसूरत है उतने ही ज्यादा यहाँ के लोगों मुश्किलात है उनकी जिंदगी को लेकर। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ मुश्किलों की वजह से उनने अपना वोट यहाँ के पोलिंग स्टेशन में आके कास्ट किया, मगर कहीं ना कहीं उनको एतमाद है, उम्मीद है कि जो आने वाली हुकूमत है वो उनके मुश्किल मुश्किलात को हल करेगी। कश्मीर न्यूज ब्यूरो के लिए हकीम फरशता।